अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये आप देख सकते हैं, इस तरह की वीडियो है कि ये हम कैसे बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह की वीडियोस मेरी आईडी पे काफ़ी हैं, तो बहुत से फ्रेंड पूछते हैं भाई ऐप का नाम क्या है। जब मैं बताता हूँ कि पिक्सआर्ट है तो वो कहते हैं यार पिक्सआर्ट में ये फंक्शन नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपने अपना पिक्सआर्ट ओपन कर देना है। ये मैं पिक्सआर्ट ओपन कर देता हूँ। तो इसके लिए ना पिक का एडिट होना ज़रूरी है भाई, कोई पिक है ना उसका वो एडिट हुई हो, मतलब ये अब एडिट की हुई पिक है। तो ये आपने ओपन करके इसके बाद आपने आ जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आने के बाद आपने ये जो एडिट होने से पहले थी वो मेरे पास इधर पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एडिट होने से पहले कैसी थी। तो ये मेरे पास इधर पड़ी होगी, हाँ जी ये पड़ी है। ये अपने इधर आ जाएगी, नीचे ऊपर से ऐड कर लेना ये इस ऑप्शन से। तो ये जब ऐड होगी तो इसे आपने ना ऐसे खींच के फुल स्क्रीन पे लेके आ जाना है। यहाँ पे जब आप स्क्रीन पे लेके आएंगे ये ना ब्लू कलर की लाइंस जो हैं ये इस पे आ जाएंगी, इससे पता चलेगा कि ये ना पूरी स्क्रीन पे फिक्स हो चुकी है। तो आप कैपेसिटी को जब लो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ना फुली तौर पर इस पर एडजस्ट हो चुकी है। तो आपने कैपेसिटी 100 पे रख के ऊपर इरेजर का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पे जाना है। इरेजर पे जाने के बाद ये इरेज पे आएंगे, ऐसे मेन्यू खुलता है, आपने देखा होगा वीडियोस में। तो ऐसे आपने इसे खोल लेना है, साइज थोड़ा सा बढ़ा के आपने जूम कर देना है। जूम करेंगे ऐसे ऊपर, आप इसे इरेज करेंगे तो ये ना इरेज हो जाएगी। ये देखें ज़्यादा फुली करके इसके ऑर्डिनेंस कैपेसिटी वगैरह, बस यही कुछ बात है। इसमें कोई भी पिक आपने बनानी है पहले आपको एडिट करनी पड़ती है, उसके बाद उसके ऊपर ओरिजिनल पिक ऐड करके और उसे आपने रिमूव कर देना है। तो जो भाई चैनल पे न्यू है, जिनको वीडियो ये पसंद आई है, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।